क्या आपने कभी चॉकलेट म्यूजियम के बारे में सुना है, या फिर मुंह के अंदर टैटू देखा है, या बिल्ली को मेयर? इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग फैक्ट के बारे में जानोगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आज के समय में हर एक फील्ड में नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, खास करके एग्रीकल्चर में तो तरह तरह की तकनीकें अपनाई जा रही है ताकि खेती को आसान बनाया जा सके। क्या आपको पता है दुनिया में इजराइल एक ऐसा देश है जहां दीवारों पर भी खेती की जाती है। इस तकनीक को वर्टिकल फार्मिंग यानी दीवार पर खेती करना कहा जाता है। इजराइल और दूसरे कई देशों में खेती लायक जमीन की काफी कमी है और इसी समस्या को दूर करने के लिए वहां लोगों ने वर्टिकल फार्मिंग को अपना लिया है। यहाँ अनाज और चावल के साथ साथ सब्जी अभी दीवारों पर ही उगाई जाती है। इसराइल की कंपनी ग्रीन वॉल के फाउंडर पायोनियर गाय बार्नेस के मुताबिक उनकी कंपनी के साथ गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियां भी जुड़ी है, जिनके सहयोग से इसराइल में कई दीवारों पर वर्टिकल फार्मिंग तकनीक से खेती की जा रही है। ये तकनीक अब धीरे धीरे दुनिया भर में भी लोकप्रिय हो रही है। ऐसी खेती का सबसे बड़ा फायदा ये है कि दीवार पर पौधे होने से घर के तापमान में बढ़ोतरी नहीं होती है और ये आसपास के वातावरण में भी नमी बनाए रखता है। फैक्ट नंबर 9। शरीर के अलग अलग हिस्सों पर टैटू बनवाने का शौक आजकल हर उम्र के लोगों में देखने को मिल रहा है। कुछ लोग तो शरीर के लगभग हर भाग पर टैटू बनवा चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है बेल्जियम के फेमस टैटू कलाकार एंडी वॉयट मुंह के अंदर टैटू बनाने में फेमस है। इस नई तकनीक के लिए एंडी वॉयट 5 साल से काम कर रहे थे। मुंह के अंदर टैटू बनाने की इस टेक्निक के बारे में जैसे ही लोगों को पता चला तो लोग इसे बनवाने लगे। आज के समय में ये टैटू बहुत ही फेमस हो चुका है। फैक्ट नंबर 8। बीच पर बैठकर समुन्दर की लहरों का मजा लेना ज्यादातर लोगों को पसंद होता है, लेकिन पत्थरों के बीच उन्हीं की शक्ल में आपका सामना मौत से भी हो सकता है। दुनिया के जहरीले जानवरों में सुमार स्टोन फिश ज्यादातर मकर रेखा के आसपास समुद्र में पाई जाती है। ये मछली पत्थरों के जैसी दिखाई देती है, इसी कारण इस मछली को ज्यादातर लोग पहचान नहीं पाते और इसका शिकार हो जाते हैं। अगर गलती से भी इस मछली पर किसी का पैर पड़ जाए तो ये अपने ऊपर पड़ने वाले वजन की मात्रा में जहर निकालती है। ये जहर इतना खतरनाक होता है कि किसी ने भी इस पर पैर रख दिया तो पैर काटना ही पड़ेगा और जरा सी लापरवाही मौत का कारण भी बन सकती है। ये फिश 0.5 सेकंड की तेजी से अपना जहर छोड़ती है, यानी कि पलक झपकते ही ये अपना काम कर देती है। ये दुनिया की सबसे जहरीली मछली है। फैक्ट नंबर 7। अगर आपके पास अभी 4 लाख रुपए हो तो आप क्या करना चाहेंगे? आप नई कार ले सकते हैं, सोना चांदी खरीद सकते हैं या इतने पैसों में फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं। लेकिन आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड में केवल 4 पत्तों वाला एक छोटा सा पौधा जिसका नाम है रफीडोफोरा टेट्रास्पर्मा, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए है, जिसे फिलोडेंड्रोन मिनिमा के रूप में भी जाना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पौधे को खरीदने के लिए न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी बिजनेस साइट ट्रेडमी पर लोगों ने जमकर बोली लगाई। आखिरकार न्यूजीलैंड के एक व्यक्ति ने इस पौधे को 4 लाख रुपए में खरीदा। इसकी खास बात यह है कि इसके 4 पत्तों में हर एक पत्तों पर पीले रंग का परिवर्तन होता है। ये दुनिया के सबसे अमेजिंग पौधों में से एक है। फैक्ट नंबर 6। किसी भी लड़की के लिए उसके मेकअप किट में जो चीज सबसे जरूरी होती है वो है लिपस्टिक। आज मार्केट में 200 रुपए से शुरू होकर लिपस्टिक बहुत सारे रेंज तक आती है। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया की सबसे महंगी लिपस्टिक गर्ल इन किस किस गोल्ड और डायमंड लिपस्टिक मानी जाती है। इसका बॉक्स प्योर गोल्ड का होता है जिसमें हीरे भी जड़े होते हैं। सिर्फ इस बॉक्स को बनाने में 18 कैरेट सोना और 199 हीरो का इस्तेमाल होता है। इसमें 15 सेट्स आते हैं। इस एक लिप सेट की कीमत 40 लाख रुपए है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों प्याज काटते वक्त हमारे आंखों में जो आंसू आते हैं वो प्रोपेटियल एस ऑक्साइड की वजह से आते हैं। अगर आप खाना पकाने के शौकीन हैं तो आपने भी देखा होगा कि लाल और सफेद प्याज जो सबसे ज्यादा आंसू पैदा करते हैं, क्योंकि उसमें प्रोपेटियल एस ऑक्साइड में शामिल एंजाइमों का स्तर बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं अगर प्याज काटते वक्त च्युइंगम चबाई जाए तो आंखों में आंसू नहीं आते। फैक्ट नंबर 4। क्या बिल्ली को भी किसी शहर का मेयर बनाया जा सकता है? ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है टॉक्टिना। यहाँ के मेयर एक बिल्ली थी।
जिसका नाम है स्तब्बस। ऐसा कहा जाता है कि पिछली बार जब यहाँ चुनाव हुए थे तो यहाँ के लोगों ने चुनाव में खड़े हुए सभी उम्मीदवारों के प्रति नापसंदगी जाहिर करते हुए इस बिल्ली को मेयर चुन लिया था। स्तब्बस को 1997 में टोकटीना का मेयर चुना गया था और ये बिल्ली 16 साल तक इस शहर की मेयर रही। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है जियो का जो नाम है और ये जियो का जो लोगो है वो कहाँ से निकला? अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो जियो का मिरर रिफ्लेक्शन अगर आपने देखा है तो ऑयल बनता है, यानी कि ये अपनी जर्नी बता रहा है ऑयल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री से टेलीकॉम और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। ऑयल का मिरर रिफ्लेक्शन जियो है ना, इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 2, चीन के शंघाई शहर में इंजीनियरों ने 60,600 टन की एक बड़ी इमारत को उसकी जगह से खिसका कर दूसरी जगह ले जाने का कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने 1935 में बनी 5 मंजिलों वाली लागेना प्राइमरी स्कूल को उसकी जगह से 198 रोबोटिक लेग्स की मदद से उसे करीब 62 मीटर की दूरी पर ले गए, है ना कमाल की बात। फैक्ट नंबर 1, हमने कई तरह के म्यूजियम के बारे में सुना और देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी चॉकलेट म्यूजियम के बारे में सुना है? इस अनोखे म्यूजियम की शुरुआत 13 सितंबर 2020 को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में हुई है। 65,000 स्क्वायर फीट के क्षेत्रफल में फैले इस म्यूजियम का नाम लिट होम ऑफ चॉकलेट है। इस अनोखे म्यूजियम के अंदर जाते ही हर चीज चॉकलेट से बनी नजर आएगी। इतना ही नहीं, इस म्यूजियम के अंदर 30 फीट की ऊंचाई वाला फाउंटेन भी है जिसे आकर्षण का मुख्य केंद्र माना जाता है। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी लिट चॉकलेट शॉप भी है जिसका उद्घाटन दुनिया के महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने किया है। इस अनोखे म्यूजियम में आने वाले विजिटर्स अपने साथ कुछ गिफ्ट भी घर ले जा सकते हैं, जिसके साथ ही यह मौजूद चॉकलेट एरिया में लोगों को खुद अपने हाथ से चॉकलेट बनाने का मौका मिलता है। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड ऑलवेज कीप स्माइल।